तो अब सब कुछ हुआ और यहाँ पर एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन का वादा, घर घर देंगे निर्बाध बिजली, 100 यूनिट तक फ्री मिल रहा है और मिल सकता है। चलिए कैसे, कहाँ और किस तरीके से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के हर घर तक निर्बाध बिजली पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री यहाँ पर सोमवार को जरमुंडी के यहाँ पर 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर संबंधित डबल लाइन लेलो लूप संचरण लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस ग्रिड के शुरू होने से दुमका एवं देवघर के कई इलाकों जैसे बासुकीनाथ, तीर्थस्थल, तलझारी, घोरमारा, जुरमुंडी और सोनाराय थाड़ी में बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। आने वाले समय में यह ग्रिड सब स्टेशन अलग अलग ग्रिडों से भी जुड़ने लगेगा, जुड़ भी जाएगा। बिजली की महत्ता से कोई अपरिचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली की महत्ता से आज कोई भी अपरिचित नहीं है। बिना बिजली यहां पर विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और मुख्यमंत्री ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं यहाँ पर झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उन लोगों ने राज्य के हर नागरिक को यहाँ पर निर्बाध व गुणात्मक बिजली उपलब्ध कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुमका एवं देवघर जिले से पहले बिजली की कमी थी और जिले में यहाँ पर पहले बिजली की कमी थी, लेकिन अब वहाँ निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी। अब 80 मेगावाट अतिरिक्त यहाँ पर बिजली मिलने से बासुकीनाथ, तीर्थस्थल, तालझारी और इसके अलावा यहाँ पर घोरमारा, झरमुंडी, यहाँ पर सोनाराय ठाड़ी आदि क्षेत्रों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो जाएगी। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है सरकार। सीएम सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ साथ वैसे उपभोक्ता परिवार जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट से कम है उन्हें मुफ्त में बिजली जो है वो मुहैया करा रही है। और यहाँ पर सरकार जन कल्याण का कार्य भी कर रही है। हमारी सरकार ने यहाँ पर बकाये बिजली बिल पर भी राहत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज काफी शुभ दिन है। देवघर और दुमका में बाबा बासुकीनाथ एवं श्रावणी मेला के शुभ अवसर पर यहाँ पावर ग्रिड सब स्टेशन का भी शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर राज्य में निर्बाध बिजली के लिए बड़े पैमाने पर सरकार यहाँ पर बिजली ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करा रही है। ग्रिड सब स्टेशन बनने से यहाँ पर बिजली आपूर्ति में आ रही रुकावटें व लो वोल्टेज की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। जारमुंडी में 132/33 केवी ग्रिड का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि दुमका व देवघर के लिए आज विशेष दिन है। जारमुंडी के तालझारी में 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, जारमुंडी एवं द्विपथ लीलो संचरण लाइन का उद्घाटन होना सरकार मतलब राज्य सरकार की यहाँ पर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में लगातार ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। अब इन क्षेत्रों में लोगों की बिजली की समस्या दूर हो जाएगी और उन्हें निजात भी मिल जाएगा। जोहार।